हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स पे गोपीशा। आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि सिल्क स्कार्फ को किस तरह से पेंट किया जा सकता है। तो इसमें मैंने रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो भी फ्लोरल पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाई है उसमें पहले मैंने आउटलाइनर से उसकी आउटलाइन पूरी ड्रॉ कर दी है, पूरी पैटर्न मैंने ड्रॉ की है और फिर बाद में उसमें मैंने कलर्स फिल किए हैं। तो मैंने 3D आउटलाइनर, गोल्डन 3D आउटलाइनर का यहाँ पर यूज़ किया है और क्या टेक्निक है मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन ऑफ वाइट कलर का सिल्क का स्कार्फ मेरे पास है, वो मैंने लिया है और इसे मैंने टेबल पे नीचे प्लास्टिक रख के उसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेन ग्लास में जिस तरह की पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है सेम वही पैटर्न्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए मेरे स्कार्फ के लिए। और मैंने इरिस फ्लावर्स की पैटर्न बनाने का डिसाइड किया है। तो फ्री हैंड से मैंने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ की है। अगर फ्री हैंड आपकी टेक्निक नहीं है, यानी आपकी फावट नहीं है, तो आप नीचे एक बड़े से पेपर पे प्रिंट निकाल के फिर स्कार्फ के नीचे आप रख के उससे आप ट्रेस कर सकते हो, या फिर प्रिंट के नीचे कार्बन पेपर रख के उसकी हेल्प से आप ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तो फ्री हैंड से ये ड्रॉ कर दिया है। और अभी मेरे पास ये गोल्डन 3D आउटलाइनर है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैं लोकल एक्रेलिक कलर से उसे रिफिल करती हूँ। तो मैंने वही 3D आउटलाइनर का यूज़ करके यहाँ पर जो मेरी फ्री हैंड पैटर्न है उससे आउटलाइन देने की शुरुआत की है। तो पूरी पैटर्न को दोनों तरफ से, दोनों स्कार्फ के एंड से मैंने चालू किया है और पूरा स्कार्फ मैंने ये पैटर्न से कवर कर लिया है। तो सबसे पहले पैटर्न को ड्रॉ करके फिर उसे मैंने 2 या 3 घंटे पहले ड्राई कर लिया है। और बाद में सेम पैटर्न पे मैंने 3D आउटलाइन की सेकेंड कोटिंग दी है, क्योंकि मुझे थिकनेस बहुत चाहिए इसमें। जो आउटलाइनर की थिकनेस है मुझे काफ़ी चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें कलर फिल करने हैं, तो एकदम थिक आउटलाइन चाहिए। तो एक बार से नहीं काम चलेगा मेरा, तो मैंने एक बार कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद सेकेंड उसका लेयर किया है आउटलाइनर का। और इस तरह से 2 बार मैंने सेम पैटर्न को रिपीट किया है और मेरी आउटलाइनर से मेरी पैटर्न मैंने बना दी है। एक एंड पे मैंने डिज़ाइन बना दी है, अब सेकेंड एंड पे मैंने ड्रॉ किया और बाद में आउटलाइनर से उसे भी आउटलाइन दे दी है। तो इस तरह से दोनों एंड पे जो मेरी पैटर्न है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो काफ़ी हद तक मेरा पूरा जो स्कार्फ है वो डिज़ाइन से कवर हो गया है। उसमें सिर्फ बीच में थोड़ी जगह पर खाली छुट्टी है, बाकी पूरा स्कार्फ डिज़ाइन से मैंने उसे फिल कर दिया है। ये फर्स्ट आउटलाइनर का मेरा पैटर्न पूरा रेडी है और इसे मैंने कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। और अब मैं उस पर सेम आउटलाइन मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी, आउटलाइनर से ही लगाऊंगी। तो वो भी मैंने कर लिया है और ये पूरा तैयार हो गया है मेरा पैटर्न। तो अब मैं इससे कलर करूंगी एक्रेलिक कलर से। फैब्रिक एक्रेलिक कलर्स मैंने लिए हैं और इसमें मैंने इरिस का जो मेन कलर होता है पर्पल के शेड्स लिए हैं, पिंक से लेके ब्लू और पर्पल, तीनों शेड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। पिंक के भी 2 शेड्स लिए हैं, डार्कर पिंक और लाइटर पिंक। एम्ब्रॉयडरी हुप में मैंने पहले तो स्कार्फ को फिक्स कर लिया है और कलर करना शुरू किया है। तो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो आप। पहले अंदर की पैटर्न को फिल कर लो, यानी कि जो डिज़ाइन मैंने बनाई है उसमें कलर्स आप फिल कर लो और बाद में उसका बैकग्राउंड बनाओ,
यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ब्लैक कलर करने वाली हूँ, तो क्योंकि ब्लैक कलर में मुझे लगता है कि ये सब कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खिलेंगे। तो आप पहले अंदर का जो पैटर्न है उसे पहले फील कर सकते हो और बाद में बैकग्राउंड बना सकते हो, और सेकंड जो तरीका है उसमें पहले पूरा बैकग्राउंड आप कम पेंट कर लीजिए और बाद में अंदर की पैटर्न आप कलर कीजिए। तो मैंने दोनों तरीके से मेरा स्कार्फ पेंट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टाइल में दिखा रही हूँ कि कैसे अंदर की पैटर्न आप पहले फील कर सकते हो करना है और बाद में उसका बैकग्राउंड बनाना है। तो मैंने जो भी लीव के जो शेड्स होते हैं उससे 3-4 शेड्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, एक्वा ग्रीन भी लिया है, येलो है, डार्कर ग्रीन है और ब्लू है। 3-4 शेड्स को रख के मैंने सारे उसके लीव बनाए हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाए तब मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल किया है। तो इस तरह से आप हुप से जॉइन करके आप पूरा पैटर्न बना सकते हो, या फिर सीधे प्लास्टिक पे रख के भी कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड पहले बना दिया है तो प्लास्टिक पे डायरेक्ट रख के आप करेंगे तो स्प्रेड नहीं होंगे कलर, और हुप पे आप करेंगे तो कम स्प्रेड होंगे। स्प्रेड तो होते ही है सिल्क के फैब्रिक पे, लेकिन हमने आउटलाइनर से जो आउटलाइन की है वो काफ़ी हद तक उसे स्प्रेड होने से रोकती है। तो आउटलाइनर पहले करने का यही मेरा मकसद था कि जितना कम हो सके कम स्प्रेड हो कलर्स। तो मैंने इस तरह से दो हुप्स में अंदर की तरफ पूरा कलर करके पैटर्न बनाई है। अब बाद में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आप पूरा बैकग्राउंड ब्लैक करके फिर बाद में इसमें कलर फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे बाकी का जो मैंने पूरा जो स्कार्फ है मैंने बैकग्राउंड पहले बना दिया है, और अब बारी है उसमें कलर फिल्स कर जो पैटर्न है उसमें कलर फिल करने की। तो अब अंदर का जो पूरा पैटर्न है मेरा, मैंने जैसे बताया फर्स्ट जो दो हुप्स में लगा के मैंने जिस तरह से शेडिंग करके किया था, सेम वे मैं यहाँ पे पूरा स्कार्फ का को इस तरह से पेंट कर लूँगी।
पूरा स्कार्फ पेंट हो चुका है और इसे मैं ड्राई होने के बाद 72 आवर्स के बाद उसे उल्टा करके उस पर आयन करूँगी। तो इससे क्या होता है कि सारे फैब्रिक कलर्स फिक्स हो जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं फैब्रिक का जो भी कलर होते हैं उसकी बॉटल पे भी लिखते हैं कि आप 72 आवर्स के बाद उसे उल्टा करके उसके ऊपर आयन कर दीजिए। तो अभी मेरा स्कार्फ रेडी है यूजेज के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।